हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? ओके, देखिए लियो, यहाँ पे आपकी एनर्जी है। हमारे पास वॉन्स बॉन्स फायर साइन एरियस लियो सैजिटेरियस है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई चीज की शुरुआत होने वाली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया डील क्रैक हो सकती है, कोई नया पार्टनर या यू नो लाइक क्लाइंट आ सकता है। स्पेशली अगर आपका काम क्रिएटिव फील्ड में है से रिलेटेड है या फिर आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड है, समथिंग दैट यू डू विद योर हैंड्स, मे बी पेंटिंग और ड्राइंग या कुछ कढ़ाई बुनना, ग्राफिक डिजाइनिंग, समथिंग, और मे बी टैटू है ना, कुछ हो गया। नॉट लाइक टाइपिंग, नॉट लाइक क्रिएटिंग अ कोड, नो दैट इज नॉट क्रिएटिव, दैट इज अ स्किल बेस्ड वर्क। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नई चीज की शुरुआत होने वाली है आपके काम में, एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड, यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड। आपको ग्रोथ मिल रही है इस काम में। आपको हमेशा से एक कहते ना, एक इच्छा थी कि मैं ये काम करूं, मुझे ये काम करना है, तो वो चीज कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड मुझे लग रहा है। किसी भी चीज का डिजाइनिंग हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है, लाइक सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, एक्साइटमेंट है, एंड नई चीजों की शुरुआत हो रही है। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, यू विल नॉट गेट द टाइम। मतलब आपको थोड़ा ना अपने आप को रेडी करके रखना पड़ेगा सितंबर फर्स्ट वीक के लिए, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते ओ मैं रेडी नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया कितनी जल्दी चीजें हो जाएंगी, और यू नो लाइक अभी तो मेरे पास ये क्लाइंट आया है, अब मुझे मेरे पास ये भी क्लाइंट आ गया और ये भी आ गया, तो मैं तीन क्लाइंट्स कैसे हैंडल करूंगा एक टाइम पे। सो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, डील विद इट। काम आ रहा है, पैसा आ रहा है, एंड आपको उस चीज में सक्सेस मिल रहा है, तो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड काफी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। काफी एक्शन ओरिएंटेड होगा आपका फर्स्ट वीक, काफी एक्शन ओरिएंटेड होगा, काम आपका सारा टाइम लेके चला जाएगा। हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े अपने काम के लिए। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए? सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए मैसेजेस फॉर लियो, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? देखिए सेकेंड वीक में ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट वीक में काम आ रहा है आपके पास, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वो सब ठीक है, आप उससे डील कर रहे हैं, कर रहे हैं, करना पड़ेगा जैसे भी है। बट सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, तो आपका फर्स्ट वीक निकल जाएगा, सेकेंड वीक में यू विल बी टेकिंग सम ऑफ द अदर डिसीजन फ्रॉम योर एंड। पहली चीजें आपकी लाइफ में एंटर करी, आएंगी, आप उनको लेकर एक्साइटेड होगे, एंड देन आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप लोगे, अपनी तरफ से फ्यूचर प्लानिंग करोगे कि ठीक है अब ये मेरा लाइफ का एक नया डायरेक्शन दिख गई है मुझे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, कि अब मेरा काम ऐसा होने वाला है या अब मेरी लाइफ का जो पाथ है वो ये है। तो उस हिसाब से सेकेंड वीक में आप चीजें मोल्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद बैक कैलकुलेशन करके करंट में चेंजेस ला रहे हैं। करंट में चेंजेस लाएंगे फ्यूचर प्लानिंग, तभी तो सिंक में बैठेगा, राइट? तो वो सारी चीजें कर रहे हैं आप सेकेंड वीक में अपने फर्स्ट वीक के हिसाब से। आई थिंक फर्स्ट वीक का ट्रिकल डाउन कर रहा है सेकेंड वीक में। ऑल्सो यू आर नॉट लूजिंग होप, लाइक यू आर वेरी होपफुल एंड यू आर वेरी लाइक विशफुल थिंकिंग दिख रही है मुझे। कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है सेकेंड वीक में, कोई आपको कहीं से कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल रही है चीजें करने की, कि हाँ इसको मैंने अपना इंस्पिरेशन रखा हुआ है, इस इंसान से मैं देखूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है। तो जैसे उसने अपनी लाइफ का पाथ सेट करा है, मैं भी वैसे ही लाइफ का पाथ सेट करूंगा। तो सेकेंड वीक में आप थोड़ा दूसरों को इंस्पिरेशन बना के आगे चल रहे हैं, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक आप ना चीजों को लेकर बहुत ही, आपकी होप जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एंड आपका ऐसा लग रहा है कि एक विश पूरी हो रही है जो आपने विश करी थी।
थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो। ओके, देखिए थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर ना आप काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं। मे बी चीज़ें हो रही हैं आपके हिसाब से ही हो रही हैं, बट देन ऑल्सो आई फील आपको या तो थोड़ा और जल्दी चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा स्पीड चाहिए चीज़ों की, या और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, वॉट एवर इट इज़। बट थर्ड वीक में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा तो ना करेजियस होइए, लाइक चीज़ों को लेकर हार मत मानिए सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। थर्ड वीक इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू बीइंग पेशेंट। अगर आप में वेटिंग एनर्जी नहीं, वेटिंग एनर्जी से मतलब है कि थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्टेबिलिटी, वेट करने की पेशेंस, वो आपको थर्ड वीक में रखनी पड़ेगी। आप होप लूज नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी लाइक, थोड़ा कन्विक्शन पावर होनी चाहिए आपके अंदर थर्ड वीक में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कंट्रोल रखना है आपको अपनी लाइफ पे थर्ड वीक में, किसी भी चीज पे, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, करियर या रिलेशनशिप्स, पर कंट्रोल लूज नहीं करना है। आई थिंक सेकेंड वीक में भी आपकी यही एनर्जी थी, यू नॉट लूजिंग होप, एंड थर्ड वीक में आई थिंक वो ट्रिकल डाउन हो रही है, नॉट गिविंग अप, बींग करेजियस एंड बींग पेशेंट, एंड कंट्रोल लूज ना करना। हाई प्रीस्टेस है हमारे पास, देखिए इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है थर्ड वीक में, चीजें आपको समझ आ सकती हैं कि किस तरीके से फोल्ड होंगी या अनफोल्ड होंगी, बेसिकली किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होने वाली हैं, तो ये चीज आपको समझ आ सकती है। आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो सकता है, आपका जो ड्रीम्स हैं वो आपके बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है। अब जब वो सीक्रेट रिवील होगा तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है अपने गुस्से पे या किसी भी चीज पे, जो भी आपका इमोशन उस टाइम पे ओवरफ्लो करेगा आपको उस पर कंट्रोल करना है। तो सीक्रेट रिवील हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। थर्ड वीक में आपको कई चीजों के हिंट मिल सकते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू, एंड कोई सच रिवील हो जाएगा, जिसके बाद इट विल बी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंट्रोल सर्टेन इमोशंस। मतलब आप दूसरे को पता नहीं लगने दे सकते कि हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया है। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फोर्थ वीक ऑफ सितंबर, फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो। अगेन देखिए, आपका फोर्थ वीक में भी ना आपकी जो इंट्यूशन है, यू आर बीइंग वेरी इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव आई वुड से। थर्ड और फोर्थ वीक का कंबाइन करके अगर हम बताएं तो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इंट्यूशन, सीक्रेट्स रिवील होना, सच पता लगना, समझ आ जाना पहले ही चीजें, सपनों के थ्रू आपको चीजें पता लगना, एंड क्योंकि आपको चीजें पता लग जाएंगी पहले से ही, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे रिएक्ट करो या कैसे रिस्पॉन्ड करो। तो एक कंट्रोल रखना, ये मुझे थोड़ा सा क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस दोनों से चीजें दिख रही हैं ये। अब देखिए थर्ड और फोर्थ वीक का कंबाइंड अगर हम एरीज लियो सजिटेरियस का बताएं आपकी एनर्जी, तो आई फील कंट्रोल एंड एवरीथिंग, तो मैंने आपको बता दिया, मैं रेपिटेटिव नहीं होंगी, बट आप ना किसी चीज को लेकर काफी लाइक मे बी आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ वीक में, किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं एंड इनिशिएटिव ले रहे हैं, लाइक यू आर नॉट वेटिंग फॉर अदर पीपल टू टेक द इनिशिएटिव एंड जब वो करेंगे तब मैं करूंगा, नहीं, आप खुद आगे से बढ़ के इनिशिएटिव ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, लीड ले रहे हैं, टेकिंग द लीड, एंड हो सकता है बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क, एंड लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप स्किल्स आपके बाहर निकल के आ रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर बीइंग वेरी चार्मिंग।
तो फोर्थ वीक देखिए, इंट्यूशन वाला जो आपका वाइब है ना, वो थर्ड और फोर्थ वीक दोनों में है, समझ आना कि चल क्या रहा है आसपास, एंड बेवकूफ ना बनना, वाइजली बिहेव करना। बट आई फील काम को लेकर ना थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई चीज पता लगेगी एंड उसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो, सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो, सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो। डेफिनेटली आपके जो इंसान हैं, चाहे वो दूर से आपको पसंद करते हैं या भी आपके साथ हैं, जैसे भी हैं, बट दे आर चूजिंग यू, वो आपको चूज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको नहीं पसंद करते हैं, या यू नो लाइक सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप थोड़े डाउटफुल हो कि अरे यार यू नो लाइक मे बी आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल, और मे बी आई एम नॉट दैट इमोशनली अवेलेबल, आई एम नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग। इस इंसान को तो और बहुत मिलेंगे, बट देन ऑल्सो दे आर चूजिंग यू, वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सो किसी भी चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओ ये मेरे पास क्यों आ रहा है, या ये तो मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगा, मैं तो आई एम नॉट वर्थ दिस पर्सन लव और अटेंशन। सो यू डोंट हैव टू वरी, बस चीजें आपको ये देखनी है कि इस रिलेशनशिप में वो चीजें ना रिपीट करें जो आपके पास रिलेशनशिप में हुई हैं। ये इंसान आपको चूज कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, बट पास रिलेशनशिप्स में जो भी आपके रिहर्सल रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करिए। सेम मिस्टेक्स अगर रिपीट करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, बट डेफिनेटली आपका और इनका रिलेशनशिप काफी ग्रेट है, काफी अमेजिंग हो सकता है, अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लेकर वो सेम चीजें रिपीट ना करें तो। फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे, शायद फिजिकल इंटीमेसी से स्टार्ट हो आपका एंड देन इट माइट टर्न इनटू समथिंग एल्स ग्रेजुअली, बट मुझे थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी लाइक शॉर्ट टर्म फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू चीजें दिख रही हैं होती हुई। टीली फॉर्चून डेक से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर लियो, बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर है मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है नंबर। अगर आपको कोई भी फिजिकल या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ नॉट फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, सेल्फ लव की कमी, मेंटल क्लैरिटी की कमी, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, कितनी चीजें हो गई, चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिलेशनशिप इश्यूज, व्हाटएवर इट इज, बट ये सारे फिजिकल एंड इमोशनल इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास ब्लॉक को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। अब देखिए ये हीलिंग आपकी रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू हो सकती है या फिर रेकी सेशंस के थ्रू हो सकती है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब अगर आपको लेट से नजर बहुत जल्दी लगती है, आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, आपका ऑरा स्कैन कर सकते हैं टू फिगर आउट ऑरा में कहाँ पे दिक्कत आ रही है एंड ऑल्सो चक्रा कौन सा वीक हो रहा है, सो दैट बिकॉज चक्रा वीक है तभी तो अफेक्ट हो रहे हैं आप। या फिर कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ आपको, बट ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यू नो लाइक अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, अगर आप बहुत डेस्परेट हैं, क्विक रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है आप में, एंड आप थरली लाइक अंदर से शिद्दत से बिलीव नहीं करते हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस में, तो मत करवाइए, कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए, वो वर्क नहीं करेंगी। अगर आप ये चार चीजें कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हीलिंग प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू देन। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर सितंबर लियो के लिए क्या मंथली मैसेजेस फॉर सितंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। गिफ्ट मिल सकता है आपको कोई, मे बी कोई बुजुर्ग इंसान, कोई रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, दादी नानी या फिर कोई आपकी मदर हो सकती हैं, बट कोई है जो एज में बड़ा है, स्पेसिफिकली शायद ये फीमेल हो, मेल भी हो सकता है बट मुझे फीमेल लग रहा है, ये बड़ी हो सकती हैं आपसे एज में एंड ये आपको शायद कोई गिफ्ट दे, मे बी आपको या तो पसंद करती हैं,
कितनी बड़ी हो सकती है, देखिए 6 महीने भी हो सकती हैं, 6 साल भी हो सकती हैं, 30 साल भी बड़ी हो सकती हैं। तो ये मे भी आपको कोई गिफ्ट दे, रोमांटिक एंगल से गिफ्ट हो सकता है, या फिर जस्ट लाइक एक प्यार मोहब्बत, फैमिली मेंबर हैं तो एक प्यार मोहब्बत से गिफ्ट दे दें किसी चीज में, या कुछ एडमायर करती हैं आप में, लेट से आपने कुछ अचीव करा है, कुछ काम अचीव करा है, या कुछ ऐसे रिकग्निशन मिल रहा है आपको, तो उस चक्कर में वो गिफ्ट आ रहा है, बट इनकी तरफ से कुछ तो चीज आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब वो आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी इंसान है जो प्रेजेंट है, जो कि आपसे थोड़ी सी बड़ी है, फीमेल, ओके, एंड वो एडमायर करती हैं आपको रोमांटिकली या फिर अदरवाइज। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वेकेशन, छुट्टी पे जाइए, डेफिनेटली आपको छुट्टी की जरूरत है इन द मंथ ऑफ सितंबर। मे बी चीजें थोड़ी सी हैवी हो रही हैं, एंड स्ट्रगल एंड कंट्रोल एंड इमोशंस एंड यू नो लाइक इंट्यूशन एंड सो मेनी चेंजेस एंड न्यू थिंग्स कमिंग अप, ऑल थिंग्स लाइक वट एवर इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एवरीथिंग इज गुड, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट तब भी बहुत ज्यादा काम भी कई बार बहुत हैवी हो जाता है ना सेप्टेम्बर में, थोड़ा सा आई थिंक आपको वेकेशन की जरूरत है, बिकॉज आपकी देखिए विश भी पूरी हो रही है। अब विश पूरी होना कुछ भी हो सकता है, चेंजेस, कोई इंसान आपकी लाइफ में आना, या फिर आपको नया काम मिलना, ये सब वंस है हमारे पास, बट विश डेफिनेटली पूरी होती दिख रही है। अब यहाँ पे मैं ये बोलूंगी मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा सेम रखिए अपनी मैनिफेस्टेशन को, स्पेसिफिकेशन जो है ना, व्हेन इट कम्स टू कलर और लाइक अ लोकेशन और मे बी द डेजिग्नेशन और लाइक स्पेसिफिक नंबर, इनको लेकर थोड़ा चेंज मत करिए बार बार इन चीजों को, जो है वैसे ही रखिए, स्पेसिफिक रहिए। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे, यूनिवर्स की तरफ से सारे कवर कर लिए मैंने। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।